आज का शो शुरू करने से पहले हम लॉस्ट इन लव रोमियोज को सिखाएंगे वो योगासन जिसे करके लड़कियां आसानी से पटाई जा सकती हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले पैरों को जरा एक दूसरे से दूर करें, एक पैर को थोड़ा सा बेंड करें, सर ऊपर उठाएं और बाहों को फैलाएं। अब बस फेस पर एक किलर स्माइल ले आए और बाहों को इसी तरह फैला कर खड़े रहें। आपको इससे कितना फायदा पहुंचेगा वो तो पता नहीं, but our today's superstar has zillions of girls swooning over him whenever he does that. इस आसान से आसन का नाम है SRK आसन। हमारे आज के स्टार हैं किंग खान यानी शाहरुख खान। I don't really believe that I'm the best. I just believe I'm trying. I always tell everyone when I die they should write on my tombstone that he died trying, hoping that he got it right. You have an extraordinary, mesmerizing talent like Shahrukh Khan, who still continues to kind of scintillate the screen. को जीतने न जाने कितने सिकंदर आए और गए, पर अपनी डिंपल स्माइल और फ्लैम्बॉयंस से दुनिया को जीतना हो तो नो वन कैन बीट दी SRK मैजिक। कास्ट, क्रीड, जेंडर और नेशनलिटीज की बाउंड्रीज तोड़ती शाहरुख की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाने के लिए उनसे मिलने आने वाले इंटरनेशनल पॉप आइकॉन्स और डीवास के नाम गिनने की जरूरत नहीं, ना इसके लिए मैडम टुसॉज़ म्यूजियम में उनका वैक्स स्टैचू देखने की जरूरत है। लेजेंड हैज इट SRK वाज स्पॉटेड एट अ मॉल इन द UK जहां एस फुटबॉलर बेकहम भी अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहे थे। And it wasn't the soccer superstar, but Bollywood's Badshah who got mobbed by hundreds of over-enthusiastic fans. बाद में सुनने में आया, David Beckham लोगों से पता करते रहे कि ये उनसे भी बड़ा सेलिब्रिटी कौन था। तो भाई ये है हमारे सुपरस्टार की महिमा, जिसके सामने बड़े-बड़े इंटरनेशनल स्टार्स भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, तो इस सुपरस्टार की सुपर लाइफ की भी एक ऐसी ही शुरुआत हुई। दिल्ली लैड SRK वाज बोर्न टू अ लविंग कपल, ताज मोहम्मद खान एंड लतीफ फातिमा, ऑन द 2nd of November 1965. SRK बिलीव्स दैट ही इनहेरिटेड हिज लवर बॉय चार्म्स फ्रॉम हिज डैड, व्हाइल हिज गो गेटर एटीट्यूड केम फ्रॉम हिज मॉम्स साइड। ही वांटेड टू बी एन एक्टर मेनी इयर्स अगो, व्हिच आई गॉट टू नो लेटर, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी एक्टिंग की, कैसे किया सर साहब ने कहा बेटा तुम एक्टिंग मत करो, तुम एक्टर पैदा करो जाने। पर फिलहाल शाहरुख खान शाहरुख खान नहीं बने थे। He was a school boy Shahrukh, studying in St. Columbus, New Delhi. A prankster, a sports whiz and leader of the gang called the Sea Gang. Don't get any ideas. It was called Sea Gang because इसके सारे members C section में पढ़ते थे। A big blow came in his life when his father lost his life fighting cancer on the 19th of September 1981. Shahrukh was just 16 at that point in time, but still he managed to learn something from this shattering moment, which he recalls now almost 30 years after the incident. My dad's honesty killed him, as he was too gentle to handle the world. But I am not. I'm honest, but I'm not defensive about winning and living well. I think worries just took his life. Otherwise, he was very strong. Was just 51. No heart disease, never drank, nothing. पर जहां लाइफ इस यंगस्टर को ऐसे ब्रूटल ऑनेस्ट लेसन सिखा रही थी, वहीं इट वाज आल्सो गिविंग हिम न्यू होप्स टू स्माइल एंड चेस ड्रीम्स ऑफ यंग एडल्टहुड। हिज फर्स्ट क्रश, व्हिच विल सून बिकम द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिज लाइफ, गौरी चिब्बा। गौरी शाहरुख की लव स्टोरी बिल्कुल किसी मशी बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह साउंड करती है। And one of the invariable questions asked mostly by thousands of girls madly in love with SRK is, how did he meet Gauri?
तो SRK ने गौरी को देखा एक पार्टी में था, बट somehow उनकी बात बन नहीं पाई। शाहरुख ने एक फ्रेंड के थ्रू जब गौरी को डांस के लिए पूछा तो गौरी का जवाब आया कि she is waiting for her boyfriend. शाहरुख's dreams were shattered for a moment, but go-getter शाहरुख wasn't disheartened, and soon it turned out it was her brother and not her boyfriend that she was waiting for. Till date, शाहरुख jokes that how he and गौरी have had a brotherly sisterly relationship. So thanks to his perseverance, उनकी गौरी के साथ चोरी छिपे कोर्टशिप शुरू हो गई। शाहरुख was in St. Stephen's College, Delhi University by now, और उनके ओवर कॉन्फिडेंट नेचर को यहाँ arrogant समझा जाने लगा था। Soon he left the college to join Hansraj College to pursue his bachelor's degree in economics, जहाँ पढ़ने के साथ साथ वो professional acting में भी break पाने की कोशिश कर रहे थे। After graduation, he got into Jamia Millia to get a master's degree in mass communication, पर जिसे acting bug ने काट लिया हो, उसे फिर और कुछ नहीं होता। Soon he dropped out of his course to pursue full-time acting. इसके लिए अपनी मॉम के कहने पर उन्होंने National School of Drama में admission तो ले लिया, but he wanted a more professional acting course. So soon he joined Barry John's acting studio to learn the nitty-gritties of acting for the camera. He was always very active, always very witty, always well-spoken. He's educated, he's very bright, dynamic performer, very versatile, physical presence, and so on. Now, who knew that all that would translate into being King Khan? His first break in acting soon. The year was 1988 when retired Lieutenant Colonel Raj Kapoor picked him to play Abhimanyu Rai in one of the first Indian TV series based on the Indian Army, 4G. बहुत सीधा साधा इंसान था जब आया मेरे पास. छोटा भी था उम्र में, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था. आया और उसका एक फेस ऐसा सा है, कई होते हैं कि उनके फीचर्स नहीं है ऐसे इतने का, लेकिन लाइकेबल है, पर्सनैलिटी लाइकेबल, पर्सनैलिटी प्लीजिंग है. वो पर्सनैलिटी जब देखते हैं तो दिल करता है यार, आई वॉन्ट टू नो दिस गाय मोर, और ही इज नाइस, अच्छा है यार, इससे दोस्ती करने का दिल कर रहा है. फौजी के साथ साथ शाहरुख का कैरेक्टर अभिमन्यु भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था. जब इसको मैंने शुरू में लिया था कमांडो का रोल करने के लिए, तो मैं आपसे सच कह रहा हूँ, 6 कमांडो थे. मुझे नहीं पता था उनमें कौन है मेन कैरेक्टर, मैं तो 6 कमांडो यूज कर रहा था, 6 के 6 मेरे हीरो थे. लेकिन कैमरा जो था ना, वो इसको सिलेक्ट कर रहा. जब मैं इसके रशेस देखता था और जब इसको मॉनिटर में देखता था, इसके अलावा वो 1989 में बनी टेलीफिल्म इन विच एनी गिव्स इट टू दोज वंस में भी सीनियर कॉलेज स्टूडेंट के एक छोटे से रोल में नजर आए. अरुंधति रॉय, हु नॉट ओनली रोट द मूवी बट आल्सो एक्टेड इन इट, वेंट ऑन टू विन अ नेशनल अवार्ड दैट ईयर फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले. Now brimming with new confidence, SRK planned to enter Gauri's house for her birthday party. पर उनके नाम और रिलीजन को लेकर कोई बवाल न खड़ा हो जाए, ये सोचकर शाहरुख ने ट्रू ब्लू बॉलीवुड हीरो स्टाइल में फौरन नाम बदल लिया. Now he was Abhimanyu for Gauri's parents, helping out everybody in the party, winning hearts and collecting compliments from everybody. यहाँ तक कि गौरी के पेरेंट्स ने उनको innocently ये तक कहा कि he looks like a distant relative of Dilip Kumar. Not bad for starters, you might think. मगर जब फिल्मों में हीरो की पोल खुलते टाइम नहीं लगता, तो शाहरुख किस खेत की फौजी थे. पर दिलवाले को दुल्हनिया तो ले जानी ही थी. कैसे किया शाहरुख ने इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल, वी विल सी राइट आफ्टर दिस ब्रेक. स्टिल रिमेम्बर वेरी वेल हाउ ही यूज्ड टू पैशनेटली फॉलो गौरी. आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली दे गॉट मैरिड. I'm number one, darling, period. Don't say wait and all. Don't give me categories. वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक सुपरस्टार की सबसे रोमांटिक सुपर लाइफ के बारे में. शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी में गौरी के घर वालों की वजह से प्रॉब्लम्स आ चुकी थीं. पर अगर शाहरुख इन सब बातों से हार मान जाते तो शायद वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज का रोल इतना कन्विंसिंगली प्ले नहीं कर पाते. वाइल शाहरुख वॉज बिजी सॉर्टिंग आउट थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, गौरी के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त था. एक तरफ शाहरुख का ऑब्सेसिव और एट टाइम्स पोसेसिव लव, दूसरी तरफ घर वालों की रिस्ट्रिक्शंस. शी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग एंड
And without informing him, she left for Mumbai with one of her friends. It was a big blow for SRK. Aur Gauri ko wapas paane ke liye, he made his first trip to Mumbai, the city of dreams. Gauri ki talash mein SRK aur unke ek friend ne puri Mumbai jhaan mari. Is chakkar mein they ran out of money and had to spend nights on the footpath. Shah Rukh ko apna camera tak bechna pad gaya. मगर क्लाइमैक्स में सब कुछ ठीक हो गया जब उनको एक बीच पर गौरी मिल ही गई। फॉर गौरी इट वॉज हार्ड टू बिलीव कि कैसे शाहरुख ने उनको इतने बड़े अनजान शहर में ढूंढ निकाला। बट फॉर शाहरुख इट वॉज अ ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम। इस शहर के फुटपाथ पर रात गुजारते वक्त कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो इस पूरे शहर के दिल पर राज करेंगे। शाहरुख गौरी को दिल्ली छोड़कर मुंबई वापस आए, पर इस बार वो वापस जाने के लिए नहीं आए थे। He was here to make his mark in Bollywood. He made a lot of friends while doing his TV serials like Circus, Dusra Kewal and Idiot. अपने उन्हीं फ्रेंड्स की मदद से शाहरुख के लिए ऑडिशंस में एंट्री आसान हो गई। एंड इन 1991 ही वाज साइन फॉर हेमा मालिनी'स डायरेक्टोरियल वेंचर दिल आशना है। पर इस खुशी के साथ एक गम भी शाहरुख की लाइफ में आया, हिज बिलव्ड मदर्स सैड डिमाइस। इट वाज द मोस्ट पेनफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ व्हेन माय मदर डाइड इन माय आर्म्स। शी हैड बिकम ऑल राइट एंड सडनली शी डाइड। इट वाज वेरी पेनफुल। द फर्स्ट टाइम आई प्रेड टू गॉड वाज व्हेन शी लेड डाइंग। अब शाहरुख बिल्कुल अकेले हो गए थे। His career as a film actor was just starting and he desperately needed some emotional support. Meanwhile, he'd also signed 3 more movies: Deewana, Chamatkar, Raju Ban Gaya Gentleman. Besides Dil Aashna Hai, which meant he could support a family now. SRK decided to tie the knot as this was an inter-religion marriage. Unke liye court marriage karna behad zaruri tha. Using a fake address, SRK Gauri somehow kept the news of the date of their court marriage a secret. Aur jab ek baar shaadi ho gayi, to unhone sabse pehle Gauri ke parents को इन्फॉर्म किया। पहले तो उनके लिए ये एक्सेप्ट करना नामुमकिन था, पर लोगों के समझाने और शाहरुख के कन्विंस करने पर फाइनली उन्होंने एक कंडीशन रखी कि शाहरुख गौरी को हिंदू स्टाइल में भी शादी करनी होगी। Still remember very well how he used to passionately follow Gauri. I'm very happy that finally they got married. पर शाहरुख की लाइफ में कुछ भी एक बार में बिना फिल्मी ट्विस्ट के नॉर्मली हो तो शायद ये उनको भी पसंद नहीं आएगा। शादी में भी ट्विस्ट आया। As SRK remembers, normally the dulha comes on the ghoda and he isn't supposed to see his bride till the pheras are over. But the car that was supposed to pick her up after her makeup was done conked out. Then panic struck because the Mahurat was at a fixed time. So I picked her up, dropped her, went back and returned on a horse. And then halfway through, I changed over from the horse to an elephant. खैर शादी करके शाहरुख वापस मुंबई लौटे और लौटते ही अपनी मूवीज की शूट में बिजी हो गए। शाहरुख की लाइफ का वो चैप्टर अब शुरू होने वाला था जो उनको बनाने वाला था एक ऑलमोस्ट अननोन फेस से बॉलीवुड का मोस्ट सॉट आफ्टर नेम। रास्ता लंबा था पर अपना राजू जेंटलमैन बनने निकल चुका था। कैसे देखते हैं इस ब्रेक के बाद। So I mean, he was really a very, very good artist to have on working with. वेलकम बैक। बात हो रही है किंग खान की, पर फिलहाल वो किंग खान नहीं शाहरुख ही थे जो वेट कर रहे थे अपनी मूवीज की रिलीज का। दीवाना बिकेम हिज फर्स्ट रिलीज। जून 1992 में रिलीज्ड इस म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर में शाहरुख को देखते ही ट्रेड पंडित्स ने प्रिडिक्ट कर दिया कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। He was very unhappy with Deewana. He did not like the film. He was angry about it. He said, "This should not be my first release." I said, "This should be your first release." Dil Aashna Hai was finally released in October 1992 and was a complete washout thanks to its outdated storyline. पर शाहरुख की smile का magic उनकी next release में फिर से काम कर गया। ये movie थी Aziz Mirza directed Raju Ban Gaya Gentleman, a modern take on Raj Kapoor's Shri 420. ये movie करते करते शाहरुख और जूही की everlasting friendship भी शुरू हो गई, जो अब तक वैसी की वैसी है। I still remember he was very new to the film industry. I was about 2-3 years old in the industry and not for a moment did I feel that he was new. He was even at that time a very competent actor. He was not only was he talented as an actor, I mean he was very funny and he would even help Aziz ji to write the scenes, come up with ideas, improvise, make things better. So I mean he
he was really a very, very good artist to have on working with. Raju Ban Gaya Gentleman also had a successful run at the box office. SRK's brilliant chemistry with his heroines Juhi, Urmila and Divya Bharti and his natural lover boy looks made him a poster boy of the romantic movies. He also went on to win this year's Best Newcomers Filmfare Trophy. Every station jo aayi ek kamyabi ke manzil wali jo ek train chal rahi thi wo tha the combination of Deewana, Raju Ban Gaya Gentleman, King Uncle, Chamatkar, Dil Aashna Hai. ये पांच पिक्चरों ने शाहरुख खान को स्टार बना दिया। To his back-to-back successes, Shahrukh was showered with a lot of offers from all over. Magar Shahrukh is waqt apne roles ke saath experiment karne ke mood mein the. He only signed those movies jinme unke paas karne ko kuch different tha. 1993 mein apni first release mein Shahrukh play kar rahe the King Uncle Jackie Shroff ke aagyakari bhai. The movie was a comic family drama which made an average profit at the box office. पर शाहरुख ने सबको अमेज कर दिया अपनी नेक्स्ट मूवी कभी हाँ कभी ना में. स्ट्रेट आउट ऑफ एन आर्ची कॉमिक, कुंदन शाह की कभी हाँ कभी ना अब भी शाहरुख के बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक मानी जाती है. खुद एसआरके को भी अपनी ये मूवी काफी पसंद आई. दो कभी हाँ कभी ना वाजंट दैट बिग अ कमर्शियल सक्सेस, इट इज अटेन्ड अ कल्ट हिट स्टेटस. शाहरुख वन फिल्म फेयर बेस्ट परफॉर्मर क्रिटिक्स ट्रॉफी फॉर द मूवी एज वेल. कभी हाँ कभी ना में एक लूजर इन लव प्ले करने के बाद शाहरुख नजर आए रोमांसिंग अ मैरिड एंड अ लिटिल ओल्डर लेडी इन माया मेम साहब. शाहरुख और दीपा साही के मच टॉक्ड अबाउट इंटीमेट सीन्स और लिप लॉक की वजह से इस मूवी को काफी हाइप मिली, पर क्रिटिकली अक्लेम्ड माया मेम साहब की माया बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई. पर एस शाहरुख वुड से इन हिज नेक्स्ट मूवी, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं. माया मेम साहब के फेलियर के बाद ही हैड टू बैक टू बैक हिट्स. फर्स्ट वाज अब्बास मस्तान बाजीगर, जिसमें वो पहली बार नजर आए प्ले करते एक एंटी हीरो का रोल, समथिंग ऑलमोस्ट ऑल द एक्टर्स इन बॉलीवुड शाइड अवे फ्रॉम. बिसाइड्स ही वाज एक्टिंग ऑपोजिट काजोल फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल. वो जोड़ी जो आने वाले टाइम में 100% सक्सेस रेट के साथ बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल जोड़ी बनने वाली थी. बाजीगर वेंट ऑन टू बिकम अ ह्यूज हिट, गिविंग शाहरुख अ सुपरस्टार स्टेटस, a filmfare trophy for best actor and also an offer he couldn't refuse. Shahrukh ko offer hui Yashraj Films ki ambitious movie Dar. Kehti bhai Shahrukh mein tab mila jab maine usko Dar ke liye sign karna tha. To maine message bheja, I would like to meet you. To mila main kaise picture hai ki negative character hai. He was very excited ki main negative character karna chahta hu. मैं डिफरेंट रोल्स करना चाहता हूँ. एक रोल जो उनसे पहले आमिर खान ने रिजेक्ट कर दिया था, बट एसआरके वाज ऑल गेम टू प्ले अनदर नेगेटिव कैरेक्टर आफ्टर बाजीगर. और वैसे भी ऑब्सेसिव पोजेसिव लवर राहुल का कैरेक्टर उनके लिए कुछ नया नहीं था. ही हैड पास्ड थ्रू ऑलमोस्ट द सेम पैशन वंस इन हिज पर्सनल लाइफ एज वेल. राहुल्स हिस्ट्रियोनिक स्टैमरिंग बिकेम द एपिटोम ऑफ ऑब्सेसिव रोमांस फॉर इयर्स टू कम. व्हाइल सनी वन जूही इन द क्लाइमैक्स, शाहरुख को मिली जनता की सिंपैथी, एक जबरदस्त हिट और बेस्ट विलन का फिल्म फेयर नॉमिनेशन. The combination of Bazi and Dar that came together and both becoming very big hits made him into a superstar in my opinion. That was the second tumbler. He played those with such a combination of vulnerability and aplomb ke wo villain hero ban gaya. One of the best success rates as compared to his peers, and some real great offers coming his way. Shahrukh was on his way to become the king of the box office. पर अपनी इमेज के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट करने वाले शाहरुख को मिलने वाली थी एक एवरलास्टिंग इमेज बहुत जल्द. नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे चलते चलते. यू कीप वॉचिंग जू, इंडियाज नंबर वन बॉलीवुड चैनल.